गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, करेंसी डेली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 4th of October 2022। आइए देखते हैं कि डिफरेंट करेंसी पेयर्स में क्या क्या एक्टिविटीज हुआ है। मेनली डॉलर केम अंडर सेलिंग प्रेशर। मेजर इवेंट्स जो था, यूके गवर्नमेंट ने टैक्स कट का जो डिसीशंस प्रीवियसली लिया था उसका रिवर्स करने का सिद्धांत लिया है, टूके यू टर्न, बिकॉज ऑफ विच डॉलर इंडेक्स काफी सॉफ्ट हुआ है। अभी है 113.83, जो अभी का हाई है वो है 114.77। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, पहले आपका 21 सितंबर का एफओएमसी रेट डिसीशंस के बाद ये जो डॉलर इंडेक्स का प्राइस कैंडल्स था वो उसमें वॉलेटिलिटी सुप्रीम था। उसका मतलब क्या है, ये अपर पार्ट ऑफ द बोलिंजर बैंड में ही होवरिंग अराउंड कर रहा था, जो आपका 28 सितंबर का फर्स्ट एक डीप आया। उसके बाद जो प्राइस है रिमेन्ड विद इन द बोलिंजर बैंड एंड ग्रेजुअली इट इज कमिंग टुवर्ड्स द सेंटर बैंड। व्हाट इट मींस, वॉलेटिलिटी आपका 27 सितंबर तक काफी हाई था, 28 सितंबर ऑनवर्ड्स डॉलर इंडेक्स का जो वॉलेटिलिटी है काफी कम हो चुका है। अभी ये सेंटर बैंड के आसपास में होवर अराउंड कर रहा है। अभी हमें देखना है कि कल का जो लो है उसके नीचे अगर क्लोज दे देता है आज प्राइस, तो और भी सॉफ्ट होने का है। एंड जो इमीडिएट सपोर्ट होगा वो होगा आपका 20 मूविंग एवरेज, दैट इज द सेंटर बैंड ऑफ द बोलिंजर बैंड। उसके नीचे जब ट्रेड करेगा, मींस नीचे मूव करेगा, तो एक सपोर्ट आएगा, दिस इज द ट्रेंड लाइन सपोर्ट। इसको भी ब्रेक करने के बाद आपका जो मेजर सपोर्ट लेवल आएगा वो होगा आपका 108.50 से 109.50 के बीच में, वहां पे एक अच्छा खासा सपोर्ट देखने मिल सकता है। उस लेवल पे आने के बाद हमें देखना पड़ेगा कि हाउ द डॉलर इंडेक्स इज प्लेइंग। सो अभी क्या है, आज या कल एक नेगेटिव कैंडल देना चाहिए जो आपका 3rd of October का लो के नीचे क्लोज दे, उसके बाद ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है उसके नीचे क्लोज देना चाहिए। डॉलर रुपी में कल एक अच्छा खासा पिन बार देखा गया है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि 28 सितंबर ऑनवर्ड्स ये काफी वीक्स बना रहा है, 28 एंड 29 सितंबर को अपर साइड में काफी बड़ा वीक्स बनाया था, 30th को बोथ साइड में वीक्स बनाया बिकॉज ऑफ आपका आरबीआई पॉलिसीज के बाद। एंड कल जो 3rd October था उसमें अपर एंड में, दैट इज हायर एंड में काफी प्राइस रिजेक्शन हो चुका है। अभी हमें जो एक कैंडल का एक्सपेक्टेशन से, जो मैं रिपीटेडली मेरा प्रीवियस दो एनालिसिस में मैं बोल रहा था कि एक नेगेटिव कैंडल हमें चाहिए, जो नेगेटिव कैंडल ये जो जितना भी लोज है, दैट मींस स्पेसिफिकली द 30th सितंबर का लो, उसके लो के नीचे क्लोज दे, इस टाइप का एक बड़ा सेलिंग कैंडल अगर मिलता है, देन एंड ओनली देन थोड़ा सा सेलर्स विल गेट डोमिन, दैट मींस अपर हैंड ओवर द बायर्स। अगर इस टाइप का अगर कैंडल हमें मिलता है देन हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा 80.00 से 80.30 के बीच में, जो प्रीवियसली हमारा रेजिस्टेंस जोन था, उसमें हमें इंतजार करना पड़ेगा सच ए टाइप ऑफ कैंडल। जीबीपी डॉलर में आफ्टर द रिवर्सल इन टैक्स कट डिसीशंस जीबीपी में काफी तेजी देखा गया है और अभी है 1.1290 पे। ये जो लो बनाया था 1.0350, यहाँ पे आपका लो बनाया था, वहां से अच्छा खासा एक बाउंस दिया है। अभी हमारा जो इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल है ये वाला है, कौन सा है, ये है 1.1450 से 1.1650, 200 पिप्स का एक
रेजिस्टेंस जोन बनेगा, बिकॉज उस क्यों बनेगा, क्योंकि प्रीवियसली यहाँ पे काफी कंसोलिडेट करने का कोशिश किया, कंसोलिडेट करने के बाद ये ब्रेक डाउन किया था। जब भी ये आएगा तो आपका ये जोन जो है 1.14550 से 1.1650 उसका एक रेजिस्टेंस जोन आएगा, इसको ब्रेक करेगा तो फिर आपका 1.1775 से 1.1885 के बीच में और एक रेजिस्टेंस जोन मिल सकता है। तो काफी रेजिस्टेंसेस होगा, प्राइसेस जैसे जैसे ऊपर जाएगा मीन्स क्लियर कट जाने का गुंजाइश थोड़ा सा कम है, अंटिल एंड अनलेस कुछ पॉलिसी डिसीजंस बीओई ले ले। जीबीपी आईएनआर में भी सिमिलरली डिपेंडिंग ऑन दैट वन आपका अच्छा खासा पॉजिटिविटी दिख रहे हैं, ये आपका 85.12 लो मारने के बाद अभी 92.08। अभी हमारा एक छोटा रेजिस्टेंस लेवल था दैट इज 91.80 से 92.00, उसको उसको जस्ट ब्रेक किया है, देन द इमीडिएट रेजिस्टेंस जो जोन होगा हमारा ये वाला होगा दैट इज 93.30 से 93.60 के बीच में, उसका इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन हमें मिल सकता है। यूरो डॉलर में भी थोड़ा सा मीन्स पॉजिटिविटी हमने देखा है फ्रॉम द बॉटम, दैट इज द रिसेंट स्विंग लो इज 0.9535, वहां से अभी है 0.9815। हमारा अभी जो मेजर रेजिस्टेंस जोन होगा ये है 0.9880 से 1.0080, अगेन 200 पिप्स का एक रेजिस्टेंस जोन। वाई जोन, क्योंकि पहले यहाँ पे काफी टाइम गुजार के कंसोलिडेट करने का कोशिश किया था, लेकिन आपका 21 सितंबर आफ्टर द एफओएमसी रेट डिसीजंस ये ब्रेक डाउन किया एंड नीचे आ चुका था, सो यहाँ पे एक मेजर हर्डल्स हमारे को देखेगा। यूरो आईएनआर पे ये जो हर्डल्स था हमारा 79.15 से 80.15, उसके अपर एंड में जाके अभी रुका हुआ है ये यूरो आईएनआर। अभी इसको सक्सेसफुली ब्रेकआउट करने के बाद ही हम कुछ अपर मूव देख सकते हैं। डॉलर येन भी ये यहाँ पे काफी कंसोलिडेट कर रहा है 114.87 पे, और आप देखोगे यहाँ पे डाइवर्जेंस भी क्लियर कट बन रहा है आपका डाइवर्जेंस। तो यहाँ पे सेल ऑफ हम तभी हम देख सकते हैं जब ये जो आपका ट्रेंड लाइन है 45 डिग्री वाला जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज दे दे एंड उसके लो के नीचे फॉलो थ्रू नेक्स्ट डे में मिले। येन आईएनआर में भी हमें वहां पे सिमिलर टाइप ऑफ कंसोलिडेशन हमें देखने को मिला है, हमें इंतजार करना पड़ेगा थोड़ा सा कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट होने के लिए, देन एंड ओनली देन वी कैन एक्सपेक्ट सम गुड क्विक मूवमेंट। डॉलर कैंडी में आपका कल एक अच्छा खासा सेल ऑफ हमें देखा है, और यहाँ पे आप देखोगे कि आपका 3 to 5 फाइव बार डाइवर्जेंस यहाँ पे मिला है। दैट बीइंग द केस यहाँ पे हमें एक सेलिंग का ट्रेड कॉल मिल रहा है, कैसे मिलेगा ये आपका कल का जो लो है उसके लो के नीचे हमें सेलिंग ट्रिगर हो जाएगा। आज ड्यूरिंग द डे अगर इसके लो के नीचे ट्रेड होता है तो इसके लो के नीचे सेलिंग ट्रिगर हो सकता है। स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, अभी जो ये आपका स्विंग लो स्विंग हाई है उसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस होगा, एंड हमारा 3 टारगेट होगा यहाँ पे। फर्स्ट टारगेट आपका 1.3200, सेकंड टारगेट आपका 1.2970, एंड द थर्ड टारगेट विल बी 1.2760। सो ये जो डाइवर्जेंस है आपका मींस जो सेलिंग इंडिकेशंस मिल रहा है मींस 1.3610 में आपका सेलिंग ट्रिगर होगा, स्टॉप लॉस होगा आपका 1.3850 मींस आपका 3850 एंड 3610, सो आपका 240 पिप्स का एक स्टॉप लॉसेस है एंड द टारगेट्स विल बी 1.3200, देन सेकेंड टारगेट विल बी 1.2970 एंड द थर्ड टारगेट विल बी 1.2760।
यहाँ पे एक एक्सपेक्टेशंस हमें मिल रहा है। ऑसी डॉलर में लोअर लेवल पे कल अच्छा खासा एक बाउंस मिला है। ये बाउंस मिलने के बाद यहाँ पर भी हमें एक ट्रेड कॉल मिल रहा है, 4 बार डाइवर्जेंस, एक इसका मतलब क्या है, अबोव द हाई ऑफ द 30th सितंबर कैंडल, यानी यहाँ पे इसके हाई के ऊपर बाई ट्रिगर होगा, अभी तक हुआ नहीं है। स्टॉप लॉस आपका ये जो स्विंग लो है, यानी आपका यहाँ पे आएगा लो, इसके लो के नीचे आपका स्टॉप लॉस, एंड आपका 3 टारगेट्स हमें मिलेगा। एक है आपका 0.6680, दूसरा टारगेट होगा आपका 0.6880, एंड तीसरा टारगेट होगा आपका ये जो रिसेंट हाई दैट इज 0.7120। एंड रिस्क रिवार्ड के हिसाब से पहला वाला 1:1, दूसरा वाला 1:2, एंड तीसरा वाला 1:3.5 एक्सपेक्टेड है। इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड टू टेक एनी ट्रेड कॉल, प्रॉपर रिस्क रिवार्ड अपना देख लीजिएगा। CNH में भी अच्छा खासा आपका यहाँ पे वीकनेस, सॉफ्टनेस, वीकनेस नहीं बताएंगे, सॉफ्टनेस दिख रहा है, बिकॉज PBOC ने अच्छा खासा मीन्स मॉनिटरिंग कर रहा है बोथ इंटरवेंशन पार्ट एज वेल एज द पॉलिसी मेकिंग पार्ट, जहाँ पे आपका 20% फॉरवर्ड सेलिंग पे ऊपर एक्स्ट्रा मार्जिन का प्रोविजनिंग कर चुके हैं। सो दैट बीइंग द केस, यहाँ पे एक सेलिंग आपका हो सकता है 30th सितंबर के कैंडल के लो के नीचे, लेकिन यहाँ पे आपका रिस्क रिवार्ड अच्छा जमेगा नहीं, बिकॉज यहाँ पे ट्रेंड लाइन सपोर्ट इमीडिएटली एक है, इसको नीचे आना है तो ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे ट्रेड करना पड़ेगा, क्लोज देना पड़ेगा एंड ट्रेड करना पड़ेगा। यूके ऑयल में यहाँ पे आपका 26 सितंबर को लो बनाने के बाद ये मीन्स काफी कंसोलिडेट करके लोअर हाई लोअर हायर हाई बना रहा है, हायर हाई हायर लो बनाने का कोशिश कर रहा है। प्लस यहाँ पे हमने देख रहे हैं कि एक सपोर्ट ले रहा है 40 लेवल पे, दैट मीन द केस यहाँ पे हमें थोड़ा सा अपवर्ड मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अपवर्ड मूवमेंट में अगर आएगा भी तो हमें जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो आपका हो जाएगा 95 से 96 के बीच में, एक हमें रेजिस्टेंस मिल सकता है। US 10-year ट्रेजरी में आपका कल ये ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज दे चुका है, लेकिन ये जो बॉर्डर लाइन का क्लोजिंग है इसको अगर रियली सॉफ्ट होना है तो कल के लो के नीचे आज या आने वाले दिनों में ट्रेड करना पड़ेगा, तब जाके हमें थोड़ा सा सॉफ्टनेस यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन वहां पर भी इमीडिएट जो सपोर्ट हो जाएगा 3.45 से 3.50 के बीच में एक इमीडिएट एक सपोर्ट हो जाएगा, उसको ब्रेक करेगा तो एवरी डिप हमें काफी सपोर्ट्स मिलेगा इस इंस्ट्रूमेंट पे। तो करेंसी डेली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही, विशिंग ऑल ए वेरी गुड डे।